जी अपनी साइट है और ये इधर अपना लैब बैठाया गया है। इस पे अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है, कहीं सबग्रेड तैयार है तो कहीं एम्बैंकमेंट तैयार है। ये हमारी 8 लेन की रोड बन रही है जिसका ROW हमारा 100 मीटर है और इसमें हमारी 22 मीटर की मीडियन है और 20-20 मीटर का कैरिएज वे है अर्देन और पेव्ड शोल्डर के साथ। बाकी हमारा ड्रेनेज और यूटिलिटी कॉरिडोर के लिए। इसमें जो कैम्बर है 2.5% का है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है और जो स्लोप है मीडियन पे 6:1 का है और जो इधर साइड स्लोप है हमारा वो 1.5:1 का है। ये हमारा बैचिंग प्लांट है जिसको हॉट मिक्स प्लांट भी बोलते हैं। इसमें हमारा SMA तैयार होगा, स्टोन मैट्रिक्स असफॉल्ट जिसको SMA बोलते हैं। और ये हमारा है कंक्रीट मिक्स प्लांट, ये भी हमारा बैचिंग प्लांट है। जो हमारे स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं उसका जो मटेरियल बन रहा है वो यहाँ से आ रहा है और जो हमारी बिटमिनस रोड बनेगी उसका मटेरियल यहाँ से जाएगा। और ये बगल में चिलिंग प्लांट भी लगाया गया है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये हमारे सब एग्रीगेट और ये GSP, इधर हमारा GSP पूरा तैयार है। ये हमारी एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट की ये तीसरी लेयर है और RFI के हिसाब से हमारी ये इस पे और लेयरें पड़ेंगी। जो सबग्रेड हमारा होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 150, 150 और 200 की, 500 की इन जनरल सबग्रेड बनाई जाती है। ये हमारी रोड, ये हमारा मीडियन, यहाँ पर मीडियन जो हमारा है वो ये है। इसका नाम है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इधर ये डंपिंग हुई है हमारी मिट्टी की। ये हमारा बैचिंग प्लांट, ये मिट्टी डाली गई है, अभी इसकी डोजिंग होगी फिर ग्रेडिंग होगी। ग्रेडर से, डोजर से डोजिंग करते हैं, एक लेवल मिलाते हैं, फिर वो लेवल की जो फाइनेस होती है या जो जैसे स्लोप मेंटेन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडर लाते हैं। ग्रेडर से हम ग्रेडिंग करके किधर मिट्टी काटनी है किधर फिल करनी है करते हैं। यहाँ चैनेज जो है 67310 है।
इसमें ये कई तरह के सॉयल हैं। मोर्थ में लिखा गया है कि एम्बैंकमेंट के लिए जो हमारी मिट्टी हो उसके लम्स जो हो वो 75 mm से नहीं होने चाहिए बड़े, लेकिन इसमें ये तो हमारा 100 mm का दिख रहा है और यहाँ पर लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने बड़े बड़े हमारे लम्स नहीं होने चाहिए मिट्टी के। लेकिन ये डोजिंग वोजिंग करके इससे हमारा कॉम्पैक्शन में दिक्कत होता है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं मिल पाता अगर हमारा ये इतना बड़ा बड़ा लम्स मिलेगा तो। वैसे इतना तो पास ही नहीं होना चाहिए, लेकिन डोजिंग करके प्रॉपर कॉम्पैक्शन की जाती है तब जाके हमारा ये बेड पास होता है। इसमें लम्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ से भी ये मिट्टी आई है। ये चैनेज हमारा है 68-150।
ये चैलेंज हमारा 68 है, 68 250। ये हमारा मीडियन है जहाँ हम चल रहे हैं। क्रैश बैरियर से जो इसका स्लोप रहेगा वो 6:1 का रहेगा। ये हमारा चैलेंज है 67 898 लिखा है, 90 होगा। ये हमारी NGL है। अब इसमें से ये जो घासें हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, इसको हटा देंगे तो ये हमारा OGL में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये नेचुरल स्टेट में है। यहाँ पर देखिए ये घासें हटाई गई, इसको स्क्रैप करके हटाया गया है। तो जहाँ पर स्क्रैपिंग हुई है, जैसे वो यहाँ पे स्क्रैपिंग हुई है, स्क्रैप करके जो लूज सॉयल है उसको हटा दिया गया है। तो लूज सॉयल को हटाने के बाद जो हमारी ग्राउंड बस्ती है उसको बोलते हैं ओजीएल। जैसे कि हमारी ओजीएल है, यहाँ भी लूज सॉयल को वहाँ हटाया गया, हटा के वो ढेर लगाया गया है ये। और ये हमारी, अब जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारी ओजीएल है। और इसको अभी हम एनजीएल कहेंगे, नेचुरल ग्राउंड लेवल, क्योंकि इसमें रूट्स हैं, जो पेड़ कटा है उसके रूट्स अभी हैं यहाँ पर, इसलिए ये हमारी एनजीएल हो गई, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ये सब पेड़ हट जाएंगे, ये जो इसके रूट्स हैं, तभी हमारा। और ये जो लूज सॉयल है इसको जैसे वहाँ स्क्रैपिंग हुई है उस तरह से कर देंगे, तो ये हमारा ओजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओजीएल होने के बाद इसकी टेस्टिंग होती है, ओजीएल का टेस्टिंग अलग होता है। इसका भी कॉम्पैक्शन वैल्यू, रिलेटिव कॉम्पैक्शन जिसको बोलते हैं, वो 95 से कम आना नहीं चाहिए। ये ओजीएल और ये एनजीएल, ये वहाँ पेड़ तक, ये इतना जो है ये एनजीएल है और ये हमारी ओजीएल है। यहाँ घासें हटाई गई हैं और ये हमारी मैग्मेट लेयर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने साइड विजिट किया और देखा कि ओजीएल एनजीएल क्या होता है, ये मैग्मेट और सबग्रेड। सबग्रेड की लेयर तो हमने कहीं दिखाई नहीं, फिर किसी दिन सबग्रेड की लेयर दिखाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।